नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी गुजरात। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर पुलिस ने दो अलग अलग मामले का किया उद्भेदन। भागलपुर पुलिस ने दो अलग अलग मामले का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधी को हथियार, जिंदा कारतूस, गोली का खोखा, मोबाइल और लूटे गए 1750 रुपए नगद के साथ धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़ाकोल में जमीन विवाद में 15 वर्षीय दीपक यादव की हत्या उसके पड़ोसियों द्वारा कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता द्वारा 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीम यादव व अन्य को धर दबोचा है। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क पथ के NH-80 पर लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद SDPO कहलगांव और प्रशिक्षु IPS के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पीरपैंती थाना अंतर्गत दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद चला रहा था और इसको लेकर के वहाँ पे पंचायती वगैरह भी की गई थी या की जा रही थी, परंतु दोनों पक्षों के बीच में एक दूसरे मतलब जो पंचायती है उसको मतलब नहीं माना जा रहा था और इसको लेकर के विवाद हुआ और फायरिंग की घटना दोनों पक्षों की तरफ से होने की बात बताई गई है। इसी फायरिंग के क्रम में एक लगभग 15 साल का बालक जिसका नाम दीपक कुमार यादव है उसको गोली लगी और वो जख्मी हुआ और उसको JLNMCH भागलपुर इलाज के लिए लाया गया, परंतु इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई और घटना के बाद सभी जो अभियुक्त थे वो फरार हो गए। परंतु उसमें से जब आवेदन प्राप्त हुआ, जो फर्द बयान उसके द्वारा दिया गया वादी के द्वारा, उसके आधार पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है भीम यादव, विजय यादव और रामजी यादव। ये सभी तीनों लकड़ाकोल के रहने वाले हैं, पीरपैंती थाना क्षेत्र के, और उनकी त्वरित गिरफ्तारी की गई है। इसमें अन्य जो भी अपराधी हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और साथ ही साथ लगातार ये शिकायत मिल रही थी कहलगांव थाना क्षेत्र में कि कुछ लोग जो ट्रक वाले हैं उनसे हथियार दिखा करके मालवाहक वाहनों से लूटपाट या डकैती की घटना करते हैं, जो वाहन वहाँ से गुजरते हैं। तो इस सूचना पे जो SDPO कहलगांव और ASP प्रोबेशनर वहाँ पे SHO कहलगांव हैं, उनको निर्देशित किया गया कि जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए। तो उन सभी के द्वारा रात्रि में NH-80 आमापुर त्रिमुहान के पास जब छापेमारी की गई तो वहाँ पे कुछ अपराधकर्मी जो कि बंदूक लिए हुए थे वो पाए गए और उसमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं गुरुदेव मंडल, अजय मंडल और निरंजन कुमार। इन सभी के पास से एक लोडेड देसी बंदूक मास्केट .315 बोर का, एक लोडेड देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली .35 बोर का, एक फायर किया हुआ गोली का खोखा और लूटे गए कुल 1795 रुपये बरामद किए गए हैं तथा एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस प्रकार से जो भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और खास करके जो गंभीर अपराध में जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी को प्रायोरिटी के बेसिस पर करवाया जा रहा है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं AC ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821।
भागलपुर के जीछो की एक अलग है दास्ता। किसी भी इलाके के विकास में सड़क की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सड़क चाहे बाईपास हो या फोर लेन, लेकिन भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक अलग कहानी सामने आई है। बाईपास से सटे बस्ती जीछो गांव की बेटियों पर मानो आपत्ति आ गई है। गांव की जमीन बाईपास के कारण महंगी जरूर हो गई है, लेकिन उसका दुष्परिणाम गांव की बेटियों और समाज पर दिख रहा है। दूसरी जाति के लड़के उस गांव के बेटियों से जबरन शादी कर रहे हैं, यहां तक कि नाबालिग लड़की से भी जबरिया शादी कर रहे हैं। अभी तक दर्जनों मामले घटित हुई है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण बात दब जाती है। खुलासा हुआ जब एक महिला कविता देवी अपनी नाबालिग बेटी से जबरिया शादी मामले में फरियाद पाने DIG सुजीत कुमार के कार्यालय पहुंची। जबरिया शादी मामले में लोदीपुर थाना इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जीछो गांव के पप्पू बताते हैं कि कल तक इलाके की जमीन कौड़ी के भाव में थी, अब करोड़ों में होने से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। नाबालिग बेटी की माँ कभी थाने तो कभी SSP तो कभी DIG दफ्तर में चक्कर लगाने को विवश दिख रही थी। ट्यूशन पढ़ने के लिए इसको बड़ा फसला के लेके चल गया लड़का, जीछो का है। वो लड़का चल गया मौसी हाँ, फिर तो थाना पे खबर किए, थाना वाला फिर खबर दिया लड़का माँ बाप को। फिर लड़का माँ बाप ने उसको बुलाया, बुला के फिर थाना वाला ने ले आके फिर शादी ब्याह करा दिया। थाना वाला करवा दिया था वो? हाँ। तो क्या आपका लड़की का उम्र पूरा हुआ? नहीं, 16 साल का हुआ, अभी नाबालिग है। तो आप बराबर थाना पे जाते थे, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो आपको यहाँ आना पड़ गया? थाना पे खबर किए थे ऐसा, जो मतलब बेटी जब नहीं मिला तो थाना पे तो हमको खबर करना चाहिए भैया। आपको सूचना नहीं मिला? तो फिर सूचना नहीं मिला, फिर आया क्या कि लड़के सदबिया करा के लड़की को दे दिया ना माँ बाप के यहाँ, लड़का के माँ बाप के यहाँ। लड़का को फिर कोरोना का अभी अंदर है। लड़का को कोरोना हो गया? पता नहीं, वो बोलता है कोरोना है, 15 दिन में छूटेगा। क्या नाम था आपके लड़के? लड़की बेटी का नाम है शीला कुमारी सर। लड़का का? लड़का का लीली रंजन है। पिता का नाम उसका? हमको आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता देवी। आप है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, अभी 16 साल का हुआ, अभी लेके चल गया बड़ा फुसला के। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती लेके चला गया है। आपका क्या नाम हुआ? कविता देवी। आपकी माँ है लड़की? हाँ, लड़की का माँ है भैया, एक ही तो लड़की है, दो लड़का है। आपका लड़की का कुछ प्रूफ है कि 16 साल की है? हाँ, प्रूफ है सर, ये देख लीजिए। ये देखिए सर, अभी तो उसका कोई एज नहीं हुआ है, उसका 16 साल एज है, ठीक है। रास्ते में पढ़ने के लिए गया, शायद वहाँ से वो लोग लेके निकल गया, ठीक है। बाकी सर सारा ये लोग मामला दर्ज किए हैं थाने में, और FIR वगैरह इनका पापा ऊपर सब कर दिए हैं। बाकी अभी सर लड़की को शायद घर पे कि कहाँ रखे हैं, शायद अभी गार्जियन वगैरह उससे अभी मिला उला नहीं है, ठीक है। ये सारा मामला है सर, और आप ही बोलिए सर, अगर इस तरह से होते रहेगा, मतलब अभी कोई एज नहीं है, मैट्रिक पास अभी टेस्ट किया है, और हम लोग का मतलब गांव में इस तरह का प्रॉब्लम आया है। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा उसे आपके एरिया में इस टाइप से मामला बराबर सुनने के लिए मिलता है? आखिर कारण क्या होता है? यही तो सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन मतलब कोई जो है मतलब उस पर मतलब करा मतलब जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है ना। अगर आज ये प्रॉब्लम हुआ, कल उसके साथ हो रहा है, अगर कड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम लोग का तो सॉल्व हो जाएगा ना समस्या। जैसे अभी जो प्रॉब्लम हुआ, इस पर अगर शॉर्ट आउट हो जाए तो अगला बार नहीं हो, लेकिन यही अगर धीमा गति में प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है हम लोग का, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होते रहेगा सर। के गांव में पहले जमीन 3 लाख रुपया था, 4 लाख था, अभी क्या है जमीन का वैल्यूएशन बढ़ गया है। बाईपास हो इधर हो तो सबका जमीन जो है ना 20 लाख 25 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो अगला चाहता है कि अगर हर घर में किसी ना किसी के पास तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन रहता ही है, सोचता है चलो यही बहाने अगर हम लड़की को भला फुसला के अगर शादी ब्याह कर ले तो हम लोग का मतलब जो है जमीन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही सब मामला है। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। भागलपुर, बेवफा पति के प्रेम प्रसंग से नाराज प्रेमिका का रौद्र रूप, थाने में ऑन स्पॉट पति को सुनाई सजा। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया जब बांका के चमरेली की एक महिला ने रौद्र रूप लिया। हंगामा कर रही महिला ने अपने अय्याश पति शिव शक्ति यादव को ऑन स्पॉट सजा सुनाना शुरू कर दिया। हालांकि थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने हंगामा कर रही महिला को समझा बुझा कर शांत करवाया। जानकारी के अनुसार बांका के चमरेली निवासी मुरारी यादव के पुत्र शिव शक्ति यादव से महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, लेकिन शिव शक्ति यादव का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक लड़की के साथ चल रहा था।
डोलभज्जा के कदवा में विधायक के नागरिक सम्मान समारोह में उठा कोसी कटाव से बचाव का मुद्दा। नौगछिया प्रखंड के कोसी पार ठाकुर जी कचहरी टोला में सोमवार को गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल का भव्य नागरिक सम्मान किया गया। वहीं सम्मान समारोह में पंचायत के गणमान्य लोगों ने विधायक को पुष्प माला व अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए ठाकुर जी कचहरी टोला को कोसी नदी से हो रहे कटाव से बचाने की मांग की है। पंचायत के मुखिया अशोक सिंह ने कहा कि बाढ़ आने से पहले ठाकुर जी कचहरी टोला को कटाव से बचाया जाए और जमीन का अधिग्रहण कर पंचायती राज का निर्माण कराया जाए। जितना मांगे है सब मांगे पूरा करूंगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। कहीं जरूरत पड़ा किसी का मकान अब टू लेन बना दिया, टू लेन वाला जमीन होगा तब तो जमीन देना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए लाठी रंग मैंने उठाऊंगा। पहले जब सर्वे करने के लिए आएगा इंजीनियर अब रखे देकर एक काम कीजिए भाई, ये हमको कटा पड़ा है, वो डूबे हुए, हम तुरंत इंजीनियर को दूसरे दिन भेज नापी करके आप प्रपोजल भेज यहाँ का कौन चक्का का जहां जाने पर चुनाव में ऐसा नहीं होता, उसी टाइम में प्रपोजल हम भेजवा दिए। निश्चिंत रहिए, जो कट गया कट गया, हमने और इसके पहले अगर हमको आप बोलते कुछ कटने ही नहीं देते, पहले ठोकर का निर्माण करें। जब नजदीक आ जाता है कोई बात तब बोलते, उस टाइम में बात छोड़ता नहीं। चलते काफी परेशान है। कदवा ग्राम पंचायत के कई गांव कोसी नदी के मुहाने पर आ गया है। माह मई माह से कटाव शुरू होता है एवं माह अक्टूबर तक चलता रहता है। चुनाव के दौरान श्रीमान भी इस कटाव को देख चुके हैं। भागलपुर से आए आपदा प्रबंध के पदाधिकारी कुछ मिट्टी भरा बोरियां गिरवाकर रोकथाम करने का प्रयास किया था, लेकिन नदी के तेज धारा के चलते सारे प्रयास असफल रहा। विधायक महोदय से निवेदन है कि इस भीषण कटाव से निजात दिलाने एवं इस भीषण समस्या का अस्थायी उपाय किया जाए, ताकि पकड़ावासा ठाकुर जी कचहरी टोला के बारू घाट से लेकर बाबा विश्वराव सेतु के बीच के गांवों की सुरक्षा हो सके। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों पर गहराई से ध्यान देते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा की जाए, जिससे भविष्य में कदवा ग्यारह पंचायत की जनता को जो कि 25,000 की आबादी है सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री कोसी नदी के कटाव से कदवा ग्यारह पंचायत को बचाव करना। दूसरी हमारी मांगे हैं बाबा विश्वराव सेतु पुल से बुटनी बांध तक जमींदारी बांध का मरम्मत एवं बोल्डर पिचिंग निर्माण। तीसरा कदवा ग्यारह पंचायत में अस्पताल का जीर्णोद्वार एवं चिकित्सक की व्यवस्था। चौथा कदवा मिलन चौक से बाबा विश्वराव पांच पथ का टू लाइन करना। निवेदक कदवा ग्यारह की समस्त जनता धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मन को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अब आप लोगों के सामने हमारे माननीय विधायक अभिनंदन आओ कुछ। पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया शहर के लिए नासूर बना जाम। सुबह 10 बजते ही स्टेशन रोड से महाराज जी चौक तक लग जाता है जाम। नवगछिया शहर के लिए जाम नासूर बनते जा रहा है। सुबह 10 बजते ही नवगछिया स्टेशन रोड से महाराज जी चौक तक रह रहकर जाम लगना शुरू हो जाता है। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक जाम की समस्या बेहद भयावह हो जाती है। लोगों को स्टेशन रोड से मक्खा तकिया 700 से 800 मीटर की दूरी तय करने में दोपहिया वाहन से 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है, जबकि चार चक्का वाहन चालकों को 1 घंटे से भी ऊपर का समय लग जाता है। सोमवार को भी नौगछिया बाजार में दोपहर बाद से नौगछिया स्टेशन रोड के वैशाली चौक दुर्गा मंदिर चौक पूरी तरह जाम की
जद से जूझ रहा था। नौगछिया बाजार के समाज सेवी अशोक केडिया ने कहा कि जाम की समस्या काफी पुरानी समस्या है। पिछले दिनों नौगछिया के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा जाम को लेकर बनाए गए मास्टर प्लान को अगर धरातल पर उतारा गया तो निश्चित रूप से नौगछिया शहरवासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। नौगछिया भारत बंद को सफल बनाने को लेकर महागठबंधन की संयुक्त बैठक। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 8 दिसंबर को किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस की मांग को लेकर आहूत भारत बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के घटक दलों भाकपा माले, भाकपा कांग्रेस, राजद व माकपा के संयुक्त रूप से सीपीआई कार्यालय में बैठक आयोजित कर भारत बंद को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के सतीश ठाकुर ने की। अंजोर सुनीता देवी हत्याकांड, मृतिका के पति ने कहा सिंटू ने घोंट दिया विश्वास का गला। मामले में अवैध संबंध की बात झूठी, 8,000 रुपए के लिए कर दी संजो की हत्या। नौगछिया के विसाई टोला की संजो उर्फ सुनीता हत्याकांड में बेंगलुरु में रह रहे मृतिका के पति किशोर पासवान नौगछिया पहुंच चुके हैं। किशोर पासवान ने कहा उनका पड़ोसी पिंटू कहने को पड़ोसी था, वह उसे छोटे भाई की तरह मानता था, लेकिन सिंटू ने विश्वास का गला घोंट दिया और माँ समान भाभी की हत्या कर दी। मृतका के पति किशोर पासवान ने कहा कि मामले में घटना का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है, लेकिन यह बात झूठी है। किसी के पास इस तरह के संबंध के प्रमाण नहीं है। घटना का कारण रकम का लेन देन था। सिंटू के पास तकरीबन 8,000 रुपए बकाया था। जब वह 29 नवंबर को बेंगलुरु जाने लगे तो सिंटू को रकम पत्नी संजू देवी को दे देने के लिए कहा था। सिंटू ने कहा था कि रविवार को सुबह रोमन के दुकान पर भेज दीजिएगा, मैं तत्काल 2,000 दे दूंगा। किसान पासवान ने कहा कि उनकी पत्नी ने भी उसे फोन कर बताया था कि वह शुक्रवार को रोमन के पास जाएगी, सिंटू वहीं पर उसे पैसे देगा, लेकिन सिंटू ने एक षड्यंत्र रचा और संजू को प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित पशु अस्पताल बुलाया और वहाँ पर आकाश के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। भारत बंद के समर्थन में बीहपुर में निकाला गया मशाल जुलूस, कृषि बिल को वापस लेने की मांग। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में व केंद्र के नए कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग पर सोमवार को बीहपुर में बिहार किसान सभा, भाकपा, राजद, कांग्रेस, एक्टू व भाकपा माले समेत महागठबंधन दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर से निकलकर बाजार में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान किसान सभा भागलपुर के जिला संयोजक कॉमरेड निरंजन चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के रंगरा में मिला कोरोना का एक रोगी, चिकित्सकों ने किया होम क्वारंटाइन। रंगरा में सोमवार को रैपिड एंटीजन किट से किए गए कोविड-19 जांच अभियान के क्रम में रंगरा के ही गांव के एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। पीएससी से चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार मरीज की हालत सामान्य है। आवश्यक सलाह और कुछ दवा देने के बाद मरीज को होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। लूट की मंशा से जगतपुर शिव मंदिर चौक पर हथियार के साथ युवक धराया, ग्रामीणों ने जमकर कर दी पिटाई। नौगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में रविवार की देर रात को जगतपुर के शिव मंदिर चौक के पास नौगछिया थाना क्षेत्र के रसलपुर निवासी विनोद यादव के पुत्र ब्रजेश यादव का संदिग्ध गतिविधि देखते हुए गांव के ही सोनू कुमार ने ब्रजेश को पकड़ कर ग्रामीणों को सूचना दिया, जिसके बाद ग्रामीण पहुंचते ही ब्रजेश यादव की तलाशी ली तो उसके पास से देसी कट्टा व 2 गोली मिला। हथियार देखकर ग्रामीणों ने ब्रजेश की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रवक्ता पुलिस को दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां ग्रामीणों ने युवक के पास से मिले हथियार गोली को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों से छुड़ाकर मारपीट से घायल ब्रजेश को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नौगछिया में एबीवीपी ने खिलाड़ियों के हौसले को बुलंद करने को लेकर किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई के द्वारा क्रिकेट खिलाड़ी के हौसले बढ़ाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया।
मोही मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया ने बताया कि यह टूर्नामेंट 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेगी एवं एक दूसरे से मैच खेलेगी। मैच को लेकर जहां आसपास के लोगों व खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। मौके पर नेतृत्व कर रहे नगर सह मंत्री पंकज कुमार ने बताया कि खिलाड़ी को हौसला बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मौके पर जिला संयोजक पंकज यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, नगर मंत्री राहुल राजपाल, नगर सह मंत्री पंकज कुमार, कॉलेज अध्यक्ष रविश, रवि कुमार, मनीष राजकुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। डोलवजा में किसान चौपाल लगाकर विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अधिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा सोमवार को पंचायत भवन परिसर डोलवजा में रवि महोत्सव व किसान चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, जिसमें आत्मा योजना से समूह का निर्माण एवं उससे मिलने वाली लाभ एवं किसानों के प्रशिक्षण, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन व गोपालयन जैसे अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। नारायणपुर बकाया बिजली बिल जमा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे पदाधिकारी। नारायणपुर प्रखंड में 5 करोड़ है बकाया बिजली बिल। नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न गांव में बिजली विभाग के बिहपुर SDO अभिलेश कुमार सोमवार को गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर बकाया बिल जमा करने को प्रेरित कर रहे थे। SDO अभिषेक कुमार ने बताया कि सरकारी संस्थान सहित नारायणपुर के विभिन्न गांव में 5 करोड़ रुपए बकाया बिजली बिल है, जिसके लिए लोगों को जागरूक कर प्रेरित किया जा रहा है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।